चैनल, आज मैं आपके सामने जो रिव्यू लेकर आ रही हूँ वो है निविया क्रीम का। ये निविया कोल्ड क्रीम है जो कि मेनली विंटर्स में यूज़ होती है और इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ विंटर्स में, तो मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू आपके सामने रखूँ। ये ऐसी टाइप की आपको पैकेजिंग मिलेगी ब्लू कलर की, और इसके पीछे ये सब लिखा हुआ है निविया क्रीम फॉर दी होल फैमिली। इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml की है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2019 से है और एक्सपायरी 2021 की है, जो कि आराम से 2 साल के आसपास चल जाती है। काफ़ी फैमिली पैक क्रीम है, काफ़ी टाइम तक इसका यूज़ होता है और मेनली ये कोल्ड क्रीम है तो ये विंटर सीजन के लिए ही बनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको मार्च अप्रैल तक यूज़ कर सकते हैं जब ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये इस तरह की इसकी ये एल्युमिनियम शीट से कवर होती है, आप थोड़ा से इसे पील कीजिए और ये ऐसी टाइप की क्रीम होती है, बस बहुत थोड़ी सी लेनी होती है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे और हैंड्स पे। ये ओवरऑल बॉडी मसाज क्रीम है, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है और देखिए आप ये काफ़ी स्टिकी है, काफ़ी ऑयली है, तो ये बेस्ट है। अगर आप कोई लोशन यूज़ कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप इसे ये यूज़ कीजिए, क्योंकि लोशन लगाने के बाद तो वो थोड़ी देर बाद तो ऐसा लगता है कि फिर से स्किन ड्राई हो गई है, लेकिन ये क्रीम ये दिन भर का आपको मॉइस्चराइज करेगी आपकी स्किन को। इसकी स्मेल भी काफ़ी सूदिंग है, बहुत ही फ्रेश है और जैसे प्रॉपर निविया की स्मेल होती है वो वैसी ही स्मेल है। इसे कोई भी एज ग्रुप वाले यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही सेफ है, बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही माइल्ड है। बस इसे आप फेस पे जब यूज़ करें तो ध्यान रखिए, क्योंकि फेस पे ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब इसे फेस पे यूज़ करती हूँ तो मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा डार्कर साइड पे चला जाता है। अब ये इंडिविजुअली एक्सपीरियंस है, हर किसी की अलग ही अलग हर किसी का रिजल्ट होता है जो अप्लाई करते हैं क्रीम, तो ये आपके ऊपर है आपको इसे फेस पे लगानी है कि नहीं लगानी। वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं बाकी आपके बॉडी पे लगाने के लिए, अच्छी है ये। और निविया तो वैसे भी हम जानते हैं कि ब्रांड है, बहुत टाइम से, बहुत सालों से हम इसको देख रहे हैं। तो ये था मेरा रिव्यू निविया क्रीम को लेकर। अगर आपको कोई भी कमेंट हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।